आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफी अच्छा टॉपिक है। ये है समर से रिलेटेड, क्योंकि समर सब ऑलरेडी आ चुके हैं। काफी लोगों को एनर्जी डिप्लीट होती है, डिहाइड्रेशन होता है, बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एनर्जी ड्रिंक है। काफ़ी सस्ता और काफ़ी इफेक्टिव एनर्जी ड्रिंक है, आप डेली पी सकते हैं, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और आप सही समझिए, इसके बारे में बात करो शुगर केन जूस के बारे में। शुगर केन जूस, गन्ने का रस, आपके आसपास हर जगह अवेलेबल है, काफ़ी सस्ता है, 10 से 15 रुपये का आपका ग्लास आ जाता है, और टन्स ऑफ बेनिफिट्स हैं इसके, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल कलर का बटन जाके दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो गाइस, शुगर केन जूस की पहले न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता हूँ। इसमें जो कैलोरीज होती हैं वो होती हैं समवेयर अराउंड आपके 100 से 150 ml के आसपास, 110 से 120 के आसपास कैलोरीज होती हैं। इसमें आपका जो शुगर होती है वो होती है 45 grams के आसपास शुगर होती है, जिसमें से आपका 15 grams जो होता है आपका फाइबर होता है। यस, तो बचती है जो वो नेचुरल शुगर, वो 30 grams के आसपास आपकी नेचुरल शुगर बचती है। फैट जीरो, प्रोटीन जीरो होता है इसमें, तो इसका अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें और क्या आपको बेनिफिट मिलता है, देखिए इसमें फाइबर होता है प्रेजेंट, तो आपको डाइजेशन में जो भी इश्यूज होते हैं वो सारे आपको क्लियर करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। दूसरी चीज़, अब लोग बोलेंगे फिटनेस में अगर हम फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे देखिए आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप 1 से 2 glass पी सकते हैं डेली, कोई नुकसान नहीं है। प्री वर्कआउट में अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो उससे आधा से एक घंटा पहले आप इसे लीजिए, और वर्कआउट में आप देखिए किस तरीके का आपको पुश मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग वर्कआउट। और अगर पोस्ट वर्कआउट लेने जाते हैं तो वर्कआउट के 1 घंटे बाद लीजिए, क्योंकि फाइबर जो प्रेजेंट है वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, आपको चाहिए फास्ट डाइजेस्टिंग, तो 1 घंटे का गैप होना चाहिए। अब फैट लॉस की बात करो तो फैट लॉस में भी आप ले सकते हैं, 1 glass से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि शुगर प्रेजेंट है बट नेचुरल शुगर है, बट उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। अगर आपका इंटेंस वर्कआउट है, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट है, तो आप ले सकते हैं, बट अगेन आपको उसको बर्न करना पड़ेगा जिम में जाकर। अगर आपका पूरे दिन बैठे रहते हैं तो फिर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग मोटे हैं वो लोग ज़्यादा ना लें, लिमिटेशन में, बट समर्स में अगर आप डेली मॉर्निंग में 1 glass जैसे पी रहे हैं तो आपको अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। इसमें जो नमक और ये बाकी सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेमन और पुदीना, ये सब नहीं डलवाइए, आइस वगैरह कुछ मत ऐड कराइए, सिंपल नेचुरल शुगर केन का जूस जो है आप गन्ने का रस वो पीजिए। आप ज़्यादा चाहिए तो थोड़ी सी आइस डाल दीजिए, बट बाकी सारी चीज़ें ना डालें, सिंपल जितना पिएंगे उतना अच्छा इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइस, मैंने तो इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है और मैं समर में हर साल इसे यूज़ करता हूँ, डिपेंड करता है जैसे अवेलेबल हो जाए। मॉर्निंग में अगर जा रहा हूँ तो मैं जिस टाइम जाता हूँ उस टाइम शुगर केन जूस अवेलेबल नहीं हो सकता, तो मैं आफ्टरनून में ले लेता हूँ, बट अगेन मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे या डेली कोशिश करता हूँ कि मैं 1 glass शुगर केन का जूस डेली पीऊँ। तो आप भी इसका बेनिफिट लीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। पूरे समर आपको एक ताजगी आएगी अपने अंदर। सो हाँ, और हाँ, होली भी आ गई है, विश यू अ वेरी हैप्पी होली, और ज़्यादा बिंज ईट ना करें, स्वीट्स और ऑयली फूड एकदम ज़्यादा एकदम तुरंत नहीं खाना है आपको, उसकी भी एक वो लिमिटेशन में, मॉडरेशन में खाएं। ये नहीं है कि फेस्टिवल है तो लगे पड़े खाओ, बट लिमिट में खाओ, अगेन उसको फिर पोस्ट होली आपको बर्न भी करना है, अगर ज़्यादा खाओगे तो फैट में कन्वर्ट होने लगेगा, तो कीप इन माइंड। तो सो गाइस, दिस वाज जस्ट अ सिंपल इन्फॉर्मेशन, आपको अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।